छत्तीसगढ़ के कोरिया के ग्राम पंचायत लाई में जिला प्रशासन द्वारा अमृत धारा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में पारंपरिक खेल, छत्तीसगढ़ी व्यंजन प्रतियोगिता तथा लोक कलाकारों व स्थानीय कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। लोक कलाकारों द्वारा विभिन्न कलाओं में प्रस्तुति करते समय भरतपुर सोनहत के विधायक गुलाब कमरो छत्तीसगढ़ी लोक गाने पर झूमते नजर आए। आपको बता दें कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अमृत धारा महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कराया गया था। सबको जनता ला मैं प्रणाम करता हूँ, यहाँ से अभिनंदन करता हूँ, आप मन के स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से अमृत धारा महोत्सव ला चालू करके पावन अवसर पर क्षेत्रवासियों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। क्षेत्र के लोगों का कल्याण हो, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। इसके साथ ही इस महोत्सव का उद्देश्य यह है कि आज कोरोना के कारण आज हम लोगों ने छोटे रूप में किया है, आगामी वर्ष में इसको और हम लोग बेहतर रूप से करेंगे। इस महोत्सव का उद्देश्य यह है कि पर्यटन के रूप में छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जिस तरह से पर्यटन को विकसित करने के लिए जो बीड़ा उठाई है, आपने देखा होगा हरशोका में जिस तरह से वहां पर भगवान राम का आगमन हुआ था, आपको पता होगा। और हम इस जिस जगह में खड़ा है, यहाँ भी भगवान श्री राम आए थे, तो यहाँ भी दूसरे जो लॉट होगा, आज अभी 9 स्थानों का चयन किए हैं। अगले स्टेप में इस अमृत धारा का भी काफी जीर्णोद्धार, यहाँ पर मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, यहाँ की बहुत सारी संभावना है, निश्चित रूप से विकसित होगा, ताकि बाहर से छत्तीसगढ़ के राज्य से बाहर के लोग जब पर्यटक आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार का एक अवसर भी प्रदान होगा। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।